नमस्कार दोस्तों, जीके क्वेश्चन गोरना में स्वागत है। आज का टॉपिक 13 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर क्लास है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ क्लास रामबाण साबित होगी। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। इसका करेक्ट आंसर रोहित शर्मा विश्व कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। इसकी व्याख्या सही थी। रोहित ने साथ ही कपिल देव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कपिल देव ने 1983 इस विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 गेंदों पर ही शतक लगाया था, वहीं अब रोहित ने 63 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सबसे लंबे रेल लिंक ब्रिज पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश में सबसे लंबे रेल ब्रिज का पद्मा का उद्घाटन बांग्लादेश में किया गया, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बारह से 15 अक्टूबर के बीच में इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश शिमला शहर में 12 से 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन हिमाचल प्रदेश में के शिमला शहर में किया जा रहा है। इसमें भारत के अलावा स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों के 120 पैराग्लाइडर फ्लाइट भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली 3D प्रिंटेड भारत का उद्घाटन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है। 3D प्रिंटेड इमारत कहाँ उद्घाटन किया है, केरल राज्य के में यहाँ इमारत 3D प्रिंटेड का उद्घाटन किया गया है। इसी संरचना की 3D प्रिंटिंग बनाने केवल 28 घंटे लगे हैं। इसमें कुल 11 लाख रुपए की लागत लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है, जो इजराइल में भारत के भारतीयों को प्रवास निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दृष्टि दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर IMF मुद्रा चालू वित्त वर्ष में कितनी थी। 6.3% का अनुमान लगाया गया IMF द्वारा, भारत की विकास दर 6.3% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने ICC वनडे विश्व कप 2023 के अपने दूसरे मैच में अफगानिस्तान टीम को कितने विकेटों से हराया है। इसका करेक्ट आंसर है 8 विकेटों से भारत ने ICC वनडे विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान टीम को 8 विकेटों से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है। बागवानी एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में नवनीत मुनोत एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और इटली ने देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है।
नेक्स्ट, यस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किए हैं। कौन से बैंक ने नेटवर्क कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक है, इसने ONDC नेटवर्क कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाल ही में ODI विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान टीम ने सबसे बड़े रन सेंस करने का रिकॉर्ड बनाया है। किस टीम ने ODI में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने का सेंस किया है? पाकिस्तानी टीम ने ODI में सबसे बड़े रन सेंस करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना ने रेक लिक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है, जिसने रेल ब्रिक्स पद्मा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का सम्मेलन 2023 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की है। लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना किस राज्य ने शुरू की? महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ योजना शुरू की है। हाल ही में बिहार राज्य के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ है। यह आयोजन बेंगलोर के इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 1100 महिला बीट कॉन्स्टेबल को गुलाबी स्कूटी दी गई। 1100 महिला बीट को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1100 महिलाएं बीट को कॉन्स्टेबलों को गुलाबी स्कूटी दी गई है। गुलाबी स्कूटी किस राज्य सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1100 महिलाओं को दिया गया है जो कॉन्स्टेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार द्वारा ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में अमेजन के द्वारा प्रोजेक्ट क्यूवर को भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया है। विराट कोहली को कौन सा मैच ऑफ से सम्मानित किया? बेस्ट फील्डर ऑफ मैच से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सिस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक ने नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने यहाँ कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंगा स्वीटेक ने टेनिस साइना ओपन 2023 खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा राज्य में निर्मल जल महोत्सव का आयोजन हुआ है। निर्मल जल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? त्रिपुरा राज्य में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? इसका करेक्ट आंसर, UAE में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षता UAE में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति सामिया सुल्हो हसन को जवाहरलाल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित तंजानिया किया गया है? इसका करेक्ट आंसर तंजानिया को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के केल्विन कैप्टन ने शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका करेक्ट आंसर केन्या में ने विश्व पुरुषों में रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के
केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई को रसबल्ली जीआई टैक्स प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर, उड़ीसा राज्य ने केंद्रपाड़ा जिले प्रसिद्ध मिठाई के लिए रसबल्ली मिठाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाल ही में किस राज्य ने गांगटिक डॉल्फिन को राज्य का राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया है? यहाँ इसका करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश सरकार ने गांगटिक डॉल्फिन को राज्य का राज्य पशु घोषित किया है। दोस्तों, जिसने भी वीडियो का सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार वीडियो का सब्सक्राइब जरूर करें। फिर दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।